बधाई देता हूँ और गुरु नानक जयंती हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं आज विदेशों में बड़े जोरों शोरों से मनाई जा रही है और पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो ननकाना साहब में पूरा ही पंजाब और विदेश से सभी लोग गए हैं। तो इस जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों को सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं तीन चार नारे लगाऊंगा आप लोगों को सबको बड़ी बड़ी ताकत से बोलना है, पता चल जाएगा कि सेवली गांव में गुरु नानक जी की जयंती मनाई जा रही है। मैं कहूंगा बोले सो निर्भय, आप कहेंगे गुरुदास महाराज की जय। मैं कहूंगा बोले सो निर्भय, गुरु नानक देव महाराज की जय। ये हमारे जितने भी महापुरुषों के जितने फोटो लगे हैं इनका एक बार मैं आप लोगों से बड़ी ताकत के साथ नारा लगाऊंगा। और ये नहीं कि भैया मेरी आवाज देखना, मैं थोड़ा उठ गया हूँ वहां से यहाँ तक सांस लेते बड़े बड़े, लेकिन जब ताकत से बोलूंगा तो आपसे ज्यादा बोला बोले
हम शादी कर लेते हैं, कोई कहता है ये तो अच्छा काम करता हूँ, करता रहे लड़की की जाने के बाद उसको पता चलता है दौर में घर लेटता है। हमें आज अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, इस बुराई से दूर रखना है। दूसरे समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो भी बेचारे गरीब आदमी, वो भी बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन खास करके इस तमाम समाज का जो है हिसाब किताब बिगड़ गया। मैं नहीं मानता कुछ है। इसके अलावा आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय वो मिला है गुरु रविदास सेवा कल अवार्ड। मेरे गांव से दो तीन साथी आए हैं, ये जिसने सेवा की उसी को मिलेगा। तो ये चमार शब्द है, चमार जो मैंने लगाया है, मेरे पुराने साथी बैठे हैं शावरपुर से सरदार जी, जय भगवान जी, खड़े हो जाओ, लंबा नहीं तगड़ा चमार है सरदार जी, क्यों नहीं, ठीक है ना। हम और ये साथ थे और ये मैंने 40 साल पहले लिखना शुरू किया था, अपने नाम के आगे जमा लिखना शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम जो है ये सुनने की बात है, सबसे तो सारी बात सुनेंगे लेकिन ये सुनने की बात है, उस टाइम हमारे ऊपर ये भेदभाव बहुत ज्यादा था। तो जो लोग प्रभावित आदमी थे उम्र पर लिख के जाना सैनी लिख के चलते थे, गुप्ता लिख के चलते थे, शर्मा जी लिख के चलते थे, तो मैंने भी एक स्कूट दे गए कि उसके स्टेप ने पीछे चमा लिखना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे भाई तू तो पागल हो गया। मैंने उनको समझाया कि भाई मैं चमार का सर्टिफिकेट मेरे जेब में है और इससे मुझे दाखिला मिला है, इससे मुझे वजीफा मिला है, इससे मुझे नौकरी मिली है और इससे मुझे प्रमोशन भी मिला, मैं कैसे भूल जाऊं। तो जहां मैं स्कूटर खड़ा करता था, जहां मैं नौकरी करता था, हमारे ही तमाम समाज के आदमी बलेट लेके उस टेपनी की तौर पर बलेट फेंक देते, उनको अच्छा नहीं लगा था, मेरे को तो अच्छा लगा था। मैं कहना ये क्या बात है, कहना यार अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों नहीं लगता, कहने भाई हमें तो अच्छा नहीं लगे, मगर तू इस चमार के नाम से तू भर्ती होगा या नहीं आया, नौकरी मिली या नहीं मिली, बच्चे को स्कूल में तेरे को दाखिला मिला कि नहीं मिला, जो मिला गया नहीं मिला गया, कहना जिया या तो बात पक्की, फिर तू जो काट रहे। खैर उन्होंने मेरे साथ बड़ा मतलब हाथ करी और मैंने एक दफ्तर जो ना उसके स्टेपनी एक और ले गए और उस पर जमा लिखा कर अपनी टिक्की में डाल दिए, वहां भी देखा जाएगा जो कुछ होगा। ये कत्ल जो है ना मेरा बयान नहीं पूरे समाज का है। अब जैसे हम पंडित जी को शर्मा जी कहते हैं, सरदार को सरदार जी कहते हैं, मुसलमान को मुल्ला जी कहते हैं, तो ऐसे ही मुझे चमार साहब कहते हैं। मैं अकेला चमार साहब नहीं, जो भी बैठे हैं चमार में वो भी चमार साहब है, ऐसा नहीं है। ये ताकत आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कहलाने की, कहने दो। लेकिन महाराज रविदास जी ने क्या लाइनें लिखी हैं, उन्होंने कहा है कि जबा की डंडी जबा के कुंडे, उन्होंने तराजू बनाई है जवान को, जबा की डंडी जबा के कुंडे, जबा से समझल तोलिए जी, जबा से हट हो जाए लड़ाई, जबा से मन को मोलिए जी। अगर थोड़ा बहुत प्रयास नहीं हो जाए जबान से तो गाड़ी देगा और जबान से ये कह देगा भाई जय भगवान जी मेरे से गलती होगी, आपको बात करता हूँ, जबा से मन को मोलिए जी, कह रविदास लाल बाल का दलक है जबा संभाल के बोलिए जी। तो महापुरुषों तो बात कही है ना, वो आगे तक की आप लोगों को बताइए। इसके साथ साथ ये
पढ़े लिखा समाज वाला दो चार बैठे हैं, जबान इंग्लिश में जो है ना सी नेचर एम ए आर होता है, जबान सी से होता है क्रिएटिव, क्रिएटिव होता है रचनाकार, रचनाकार कौन थे ये महापुरुष, ये महापुरुष। एच से होता है ऑनेस्ट ईमानदार, इनके इतिहास में ईमानदारी है हमारे में नहीं है जिनके फोटो लगे। ए से होता है अट्रैक्टिव, आकर्षित करना, किसी चीज को आकर्षित करना, जैसे मीरा भाई जानी भाई जी गुरु रविदास जी की जेली बनी तो उनको आकर्षित किया। एम से बनता है मास्टर माइंड दिमागदार, ये सतगुरु महाराज से। ए से बनता है एक्टिव, आर से बनता है रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार, समाज जिसकी आप बढ़ते हो उसकी पक्की पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो मेरा कहना है मतलब यही है कि आप लोग जो है ना बिल्कुल ही भावना से जब तक रहोगे आपको लोग दबाते रहेंगे, ठीक है। और ज्यादा एक एक बात और कि जो भी वाणी है जिसको भी मुख्यारदास जी वाणी का समय देंगे, दो की बजाय सिर्फ एक वाणी कराएं और उसका अनुवाद जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारी रात जो है ना इस पे काले पे गा के दो दो पानी, ये माँ बहन बैठी है, माँ की शक्ति बैठी है, अनुपढ़ आदमी और बैठे हैं, इनके कुछ ध्यान नहीं रहे, सुबह जो है ना जैसे रागनी सुन के चले जाए ऐसे हम उठ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि जो भी पानी आए उसका जरूर अनुवाद करें। इसी के साथ फिर एक नारा लगाऊंगा जोर से, बोले सतनाम सत सहयोग, कोई गलती हो तो चमार साहब को माफ करो, धन्यवाद।